नमस्कार, आप देख रहे हैं ईबे पर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर से 40 किलोमीटर दूर पटमत के कमलपुर थाना के काकिडी गांव में आयात बीमारी के कारण एक माह के भर्ती 73 सुअरों की मौत से पूरे गांव सहित जिला प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। गांव वाले दहशत में है कि आखिर कौन सी बीमारी है जिससे इन सुअरों की मौत हो रही है। अच्छा, इस गांव में जो सुअर मरा है, सुअर मरने में आपका कितना मरा है और गांव में टोटल कितना मरा है, उसके साथ साथ यहां का जो सुअर मरने का जो यहां ग्रामीणों का रोजगार में क्या असर हुआ है ना, उसमें आप थोड़ा अपना बात रखें। मेरा गारू था। नाम क्या आपका? और मेरा नाम बद्रेश्वर हेमराम है, काकी डी का हूँ। मेरा सुबह था 11 तो, और गांव का था वो सब मिला के यहाँ तो मार दिया है, और दूसरा भी लोग की है वो मार गया है, ये सूचना हमको मिला है। तो आपका 11 मरने का आपका रोजगार में क्या असर होगा? असर होगा टोटल कितना का मरा? 50-60 हज़ार। तो मतलब एक साल का जो आपका आमदनी होना था वो पूरा इस बार ड्रॉप हो गया ना। पर बहुत जन को सुअर मर रहा है बस्ती में, काकेड़ी बस्ती हम लोग यहाँ मरने के कारण ये रखने सुअर पालने का मतलब कि जीवन यापन के लिए, जीवन यापन के जो दो पैसा होगा इसलिए रखा जाता है। यहाँ सरकार का ध्यान नहीं दे रहा होगा, सुअर बहुत सारे ब्लॉक से नहीं मिल पाता है, बस अपने से खरीद के 5,000-3,000 खरीद करके पालता है और इसको बेच दिया जाता है, इसको दो पैसा मिलती है, उसका घर परिवार चलता है। इसी कारण सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि सुअर ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए बस्ती में ब्लॉक के द्वारा, कि मनुष्य का जीवन उपन अच्छा से हो, रोजगार दो पैसा हो, और डॉक्टर के उपलब्ध होना चाहिए कि एक ब्लॉक द्वारा कि किस कारण से मर रहे हैं, और मन से दबाव देना चाहिए इन लोगों को, और मेडिसिन इंजेक्शन के द्वारा या मालूम दर से बहुत सारे यहाँ बस्ती मर गया है। सरकार के द्वारा निवेदन है कि ध्यान दिया जाए। आज जो है गांव में जांच टीम पहुंची हुई है, तो जांच टीम के पहुंचने पर यहाँ पे पशुओं को क्या जो है इलाज हो पाया? इलाज नहीं हो पाया अभी तक, इससे सैंपल लेके जा रहा है, ब्लड सैंपल लेके जा रहा है बस, ऑनली यही है, और मलहम दे रही है, इसमें मेडिसिन होना चाहिए कि इंजेक्शन के द्वारा। तो डॉक्टर लोगों का क्या कहना है, लक्षण क्या है? लक्षण भी नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा, लोग अभी तो यहाँ जब जितने कितना सुअर यहाँ टोटल मरा है? कम से कम 15-20 मर गए। 15-20 ना। तो यहाँ जो आप लोग जो यहाँ जो आदिवासी लोग हैं उन लोग के ऊपर क्या असर हुआ है, कोई आर्थिक असर? आर्थिक असर हो रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे सुअर मर जाने के कारण जिनको दो पैसा होता है नहीं हो पा रहा है। एक सुअर का कितना कम से कम रेट का किलो पड़ता है? 200 रुपये पड़ता है। अच्छा, कम से कम सुअर है बहुत सारा है, कम से कम 1-1.5 क्विंटल का है सब है। अच्छा, कम से कम 30-40 हज़ार प्लस पड़ जाता है। अच्छा, खबर मिला या DHO साहब के तरफ से आदेश मिला कि मैंने फिर कम मैंने स्वाइन फ्लू का केस है, मैंने सस्पेक्टेड है, तो इसके लिए हम लोग ब्लड का सैंपल मैंने कलेक्शन किए, इसको भेजा जाएगा आग के लिए, और जैसा रहेगा फिर सारे किसानों को हम लोग बताया कि इसको कैसे डिस्पोज करना, अगर कोई डेथ करता है, अभी तो उस टाइप का लक्षण नहीं दिख रहा है, फिर भी जो यहाँ पर क्षति हुई है उसके लिए कैसे डिस्पोज करना है, गड्ढा कर देना है उसको, कम से कम 100 मीटर मैंने कम से कम 1 मीटर के ऊपर रखना है, उस पर पूरा चूना डाल के उसको पूरा कवर कर देना है, वहाँ पर पानी संग्रहित नहीं होना चाहिए, अच्छा से रख रखाव रखना है, कोई मोटिवेशन कोई मूवमेंट नहीं होगा, मीट का सेल टोटली बंद रहेगा, किस तरह का मीट का। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।